Everybody, welcome to my channel. My name is Julie and आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है. आज के वीडियो में मैं जिस बुक की बात करूँगी वो है इकिगाई. इकिगाई क्या है, बुक किस बारे में? एक्चुअली इकिगाई है जापानीज सीक्रेट टू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ. जो हमारी जो लाइफ है वो बहुत कम हो गई है आज पर. जापान में एक आइलैंड है और एक प्लेस है ओकिनावा करके. वहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत सबसे ज़्यादा है. वहाँ के लोगों की आयु जो है सबसे ज़्यादा है. तो एवरेज आयु मेन और वुमेन की, मेन की एवरेज आयु है वहाँ पे 84 एंड वुमेन की है 90. पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घर पे बैठे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ऐसा नहीं है. दे आर लिविंग लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन लाइक अस. वी आर डूइंग एनीथिंग लाइक यंग पीपल. एक्चुअली उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैपेसिटी, इमोशनली मेंटली फिजिकली वो स्ट्रांग होते हैं. वो उनका ये रहता है कि वो कभी भी बैठे नहीं रहना. उनको वो हमेशा काम करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, अपनी लाइफ को इसी तरह जीते हैं. और वो बैठना पसंद नहीं करते. जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है कि अगर आप रिटायर हो गए, आपको कुछ काम नहीं है, घर पे बैठना है और कुछ भी नहीं करना है, इस टाइप की हमारी थिंकिंग एक्चुअली. पर वहाँ ओकिनावा जो प्लेस है, आइलैंड है, वहाँ पे लोगों की थिंकिंग ये नहीं है कि घर पे बैठना है हम रिटायर करके. वो कभी रिटायर नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ की लाइफ जो है बहुत लॉन्ग है ह्यूमन की. ओके, सो इकिगाई एक्चुअली वहाँ का हार्ट है, टू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्दी लाइफ. ओके, सो सेकेंड थिंग दिस इस बुक में एक्चुअली बताया गया है कि जो रिसर्चर हैं उन्होंने डिस्कवर किया कि क्यों यहाँ की ह्यूमन लाइफ ज़्यादा है, क्यों यहाँ की ह्यूमन लाइफ औरों के कैपेसिटी और कंट्री और स्टेट और प्लेस के मुताबिक ज़्यादा है. तो वहाँ पे उन्होंने तीन रीज़न फाइंड किया. फर्स्ट इज की डाइट. उनकी डाइट में इंक्लूड होता है लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लाइक फास्ट फूड वगैरह वो लोग नहीं खाते जनरली. और दे प्रेफर टू ईट फ्रूट्स वेजिटेबल मोर इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स. ओके, सेकेंड की वहाँ पे जो लोग होते हैं वो सिंपल आउटडोर लाइफ जीते हैं. वो घर में बैठे नहीं रहते हैं, वो गार्डनिंग करते हैं. जो अपनी अपना पैसन होता है एक्चुअली वो फॉलो करते हैं और वो जब तक नहीं मरते तब तक उसको फॉलो करते हैं और उस पर वर्क करते रहते हैं. और थर्ड थिंग है कि जो वहाँ के जो क्लाइमेट है उसकी वजह से वहाँ के लोग ज़्यादा जीते हैं. ओके, सो नेक्स्ट थिंग क्या है, मीनिंग क्या है इकिगाई का? तो जानते हैं इकिगाई का मीनिंग क्या है. एक्चुअली इकी और गाई दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. इकी का मतलब होता है लिव, टू लिव एक्चुअली. और गाई का मतलब होता है रीजन. तो इकिगाई का मतलब होता है रीजन टू लिव. सबके सब एवरी ह्यूमन हैज अ इकिगाई इन देयर ओन. ओके, आपको खुद फाइंड करना है कि इकिगाई आपका इकिगाई क्या है, आपके रीज़न टू लिव क्या है, जीने की वजह एक्चुअली क्या है. तो इकिगाई का मतलब ये है. और सबका इकिगाई डिफरेंट होता है और सबका अलग होता है, उसकी वैल्यू अलग होती है. बस आपको फाइंड करना है. हमें पता चल गया एक्चुअली कि इकिगाई एक्चुअली है क्या, रीज़न टू लिव है, हमारी जीने की वजह है. पर हम इकिगाई फाइंड क्या कैसे करेंगे कि मेरा इकिगाई क्या है? तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अपने आप से चार क्वेश्चन पूछने हैं. सो विच आर दोज क्वेश्चन, चार क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि व्हाट डू आई लव. ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट एम आई गुड एट. एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ल्ड नीड फ्रॉम मी. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट कैन आई गेट पेड फॉर. तो इन चारों के आंसर्स आपको फाइंड करने हैं और आपको आपका इकिगाई एक्चुअली मिल जाएगा. ओके, सर, नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज इस बुक में 10 रूल्स दिए गए हैं. 10 रूल्स ऑफ एक्चुअली इकिगाई, रीजन टू लिव क्या है. तो
फर्स्ट वन इज स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर. रिटायर नहीं होना है, तभी आप लॉन्ग, आपकी लाइफ थोड़ा लॉन्ग होगी जो ओकिनावन की है एक्चुअली. सेकेंड वन इज टेक इट स्लो. आजकल हमारी लाइफ इतनी भागदौड़ हो गई है, इतना रन है, हम लोग एक पीछे भाग रहे हैं किसी चीज़ की. तो समटाइम्स आपको ये करना है कि पॉज लेना है और जो आसपास हो रहा है उन चीज़ों को फील करना है, इंजॉय करना है. तो टेक इट समटाइम्स स्लो. थर्ड थिंग इज डोंट फिल योर स्टमक. ओके, सो इन्होंने बताया कि एक्चुअली हमें जब हम अपना मील लेते हैं तो हम 100% फुल हो जाते हैं. स्टमक को इन्होंने कहा है कि 80% ही आपको स्टमक अपने फुल करना है, 20% बचने रहना है. क्योंकि अगर आप मील फुल करेंगे ना तो उससे भी आपकी जो लाइफ होती है वो कम होती है. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट वन इज सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स. यहाँ पे इन्होंने इसलिए बोला है कि अच्छे फ्रेंड्स के साथ सराउंड करने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फैमिली से ज़्यादा माइंड को इफेक्ट करते फ्रेंड्स. तो इसलिए अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहना सीखिए आप, और ढूंढिए, फाइंड ट्रू फ्रेंड जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे. ओके, सो नेक्स्ट थिंग है कि अगर आप अपने हेल्थ, अपने बॉडी से खुश नहीं है और ओबेसिटी के शिकार है एक्चुअली, तो इन्होंने कहा है कि गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे. आपको अपने शेप में आने की कोशिश करनी है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है और बिकम, आपको फिट होने की कोशिश करनी चाहिए आपके नेक्स्ट बर्थडे तक. नेक्स्ट थिंग है कि स्माइल. स्माइल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन्होंने कहा स्माइल एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जो, अगर आप सैड भी हो और आप स्माइल करोगे ना तो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है. ओके, नेक्स्ट थिंग इन्होंने कहा है कि रिकनेक्ट विथ नेचर. नेचर के साथ हमें कनेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि हम नेचर से ही बने हैं. और अगर आप नेचर से कनेक्ट रहिएगा तो आप फ्रेश फील करिएगा, इन्होंने कहा है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज गिव थैंक्स. ओके, सो लिव विथ ग्रैटिट्यूड. जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी है, जो भी हो रहा है, उसके लिए थैंकफुल रहिए. तो ग्रैटिट्यूड के साथ इन्होंने बोला है कि जीना सीखना चाहिए लोगों को. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज लिव इन द मोमेंट. ओके, पास्ट फ्यूचर की वजह से हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं, तो उन्होंने इसलिए कहा है कि प्रेजेंट में जीने की सोचना चाहिए इंसान को. एंड टेंथ इज फॉलो योर इकिगाई. आपको पता है इकिगाई आपको कैसे फाइंड करना है, आपका रीजन टू लिव फाइंड करना है, जीने की वजह फाइंड करना है, तो गो एंड फाइंड इट. सो ये सब चीज़ें दिया हुआ, दैट्स इट अबाउट द बुक. ये सब चीज़ें बुक्स में दिए गए हैं, डिटेल में दिए गए हैं. आप जाइए पढ़िए बुक को, अमेजिंग बुक है. आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप लाइफ में एक्चुअली अपनी आयु एक्चुअली बढ़ा सकते हैं, लाइफ बढ़ा सकते हैं, और हैप्पी एक्चुअली पैशन फॉलो कर सकते हैं एक्चुअली इकिगाई के थ्रू. सो आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं. अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस. एंड मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगी, आपको बुक्स के बारे में बताते रहूँगी. और दैट्स इट. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग.